Hello everyone and welcome to Netcracker. Today we will be studying about relational model. And as we know that while we are storing data into a database, basically we store them in the form of table. So those tables are called as relation, and from there we get this name relational model. Right, so let us begin and let us study the basic features of a relational model. All relations and entities are stored in the form of a table. The table is called a relation. And as we know that a table is formed with the help of rows and columns. So rows are called as tuple and the columns are called as attributes. So over here you can see this table, right? So all the rows are called as tuple and all the attributes are called as columns ko hum attribute kehte hain. So from here two direct questions can be asked in a question paper, right? The first is the cardinality of a table. Ab cardinality of a table can be calculated by the number of tuples. To table mein jitne bhi hamare rows hain usse hame cardinality of a table milti hai. Jaise ki yahan par hamare paas char rows hain, तो इस टेबल की कार्डिनैलिटी 4 है. और डिग्री ऑफ रिलेशन इज़ द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स मतलब कॉलम्स. तो कितने कॉलम्स हमारे इस टेबल में प्रेजेंट हैं, वो है 4. देयरफॉर द डिग्री ऑफ दिस रिलेशन इज़ अगेन 4. एट्रीब्यूट्स शुड हैव एटॉमिक वैल्यू, कैन नॉट बी अ सब डिवाइडेड. तो जितने भी वैल्यूज़ हम टेबल में जो स्टोर करेंगे वो एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, वो एटॉमिक होनी चाहिए नेचर में. दे कैन नॉट बी सब डिवाइडेड. ठीक है, फिर हमारे पास एक डोमेन कंस्ट्रेंट एक आता है जो हर एट्रीब्यूट पे लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि एक एट्रीब्यूट में हम क्या क्या वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. सो सेट ऑफ परमिसिबल वैल्यूज टू द एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड एज डोमेन. तो डोमेन में हम लोग बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक हमने एग्जांपल लिया है रोल नंबर. डोमेन फॉर अ रोल नंबर इज़ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स. तो हमने रोल नंबर एट्रीब्यूट के ऊपर एक कंस्ट्रेंट लगाया है कि इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स. तो फिर रोल नंबर की जो भी वैल्यू होगी वो इंटीजर नंबर्स होंगे. ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता, ना कोई अल्फ़ाबेट होगा या कोई सिंबल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं. सिर्फ इंटीजर नंबर्स ही हमारा रोल नंबर बनाएंगे. तो जो भी डेटा हमें रिट्रीव करना है डेटाबेस से, उसके लिए हमें कई कीज़ अप्लाई करनी पड़ती हैं. तो वो कीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास आती है सुपर की. सुपर की आर द सेट ऑफ वन और मोर कीज़ दैट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड यूनिकली इन अ टेबल. ठीक है, तो नंबर ऑफ कीज़ कंबाइन करके हमारे को सुपर की देती है. तो जैसे प्राइमरी की, यूनिक की, अल्टरनेट की, इन सभी कीज़ को मिला के हमारी सुपर की बनती है. और फिर कैंडिडेट की इज़ अ सेट ऑफ वन और मोर फील्ड्स और कॉलम दैट कैन आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड यूनिकली इन अ टेबल. देयर कैन बी मल्टीपल कैंडिडेट की इन अ टेबल एंड ईच कैंडिडेट की कैन वर्क एज अ प्राइमरी की. तो की कंसेप्ट जो कैंडिडेट की का है वो ये बताता है कि जितने भी हमारे एट्रीब्यूट्स जो हम कैंडिडेट कीज कंसिडर कर रहे हैं वो एलिजिबल होते हैं प्राइमरी की बनने के लिए. ठीक है, तो वो कैंडिडेट्स हैं किसके लिए, प्राइमरी की के लिए वो कैंडिडेट हैं. पर उनमें से हम कोई एक ही चूज़ करते हैं एज अ प्राइमरी की. तो हम अगले पे देखते हैं कि कॉम्पोजिट की क्या बताता है. कॉम्पोजिट की इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर फील्ड्स और कॉलम्स ऑफ अ टेबल एंड इट कैन बी अ कैंडिडेट की और अ प्राइमरी की. अब जैसे हमारे पास एक टेबल है जिसमें ये एट्रीब्यूट्स है, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड फादर्स नेम. तो पहले हमें कैंडिडेट की चूज़ करते हैं कि कितनी कैंडिडेट कीज इस टेबल से हैं. तो फर्स्ट रोल नंबर हमने ले लिया, दूसरा हमने कॉम्बिनेशन लिया नेम ऑफ फादर्स नेम का. तो ये जो बना ये एक कॉम्पोजिट की है. क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं. यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एट्रीब्यूट्स, नेम एंड फादर्स नेम. तो ये कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट हमारा कॉम्पोजिट की बनी. तो ये दो हमारे पास कैंडिडेट कीज़ प्रेजेंट है. ठीक है, उनमें से कोई एक ही चूज़ हम करेंगे प्राइमरी की बनने के लिए, जो कि रोल नंबर हमने चूज़ किया है यहाँ. फिर हमारे पास आता है ऑल्टरनेट की. ऑल्टरनेट की जैसे कि नाम ही खुद सजेस्ट कर रहा है, ये ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कराता है हमारे को प्राइमरी की के लिए.
So, alternate key is the key that can work as a primary key. Basically, it is a candidate key that currently is not a primary key. अब क्या मतलब है, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में लिया था, आईडी, रोल नंबर, इनरोलमेंट रोल नंबर, ये तीनों ही हमारे कैंडिडेट्स थे प्राइमरी की बनने के लिए. तो सपोज़ इसमें से हमने रोल नंबर एज प्राइमरी की चूज़ कर लिया, तो जो हमारे जो बाकी दो बच्चे, आईडी और इनरोलमेंट रोल नंबर, ये हमारे ऑल्टरनेटिव्स हैं प्रेजेंट प्राइमरी की के लिए. तो ये दोनों बन गए हमारे ऑल्टरनेट की, और ये तीनों ही पहले से ही कैंडिडेट्स तो थे ही. ठीक है, तो इसका मतलब है सपोज़ प्राइमरी की इज़ रोल नंबर, देन आईडी एंड इनरोलमेंट रोल नंबर बिकम्स ऑल्टरनेट की एंड दे ऑल आर कैंडिडेट की एट द सेम टाइम. यूनिक की इज़ अ कॉलम इन अ टेबल दैट यूनिकली डिफाइन द रोज इन द टेबल. द वैल्यू प्लेस इन यूनिक की कॉलम मस्ट बी यूनिक फॉर ईच रो दैट इज़ नो डुप्लीकेट वैल्यू इज़ अलाउड एंड इट एक्सेप्ट वन नल वैल्यू. तो यूनिक की हमें ये बताता है कि एक तो जितनी भी वैल्यूज़ हम उस यूनिक की में स्टोर कर रहे हैं वो पहली बात तो विदाउट रिपीटेशन होने चाहिए, मतलब कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ उसमें नहीं होनी चाहिए, और वो कम से कम एक नल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है. तो यही एक डिफरेंट थिंग है जो हो रही है यूनिक की में, इट कैन एक्सेप्ट वन नल वैल्यू. ठीक है, देन वी हैव प्राइमरी की. प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई द रोज इन द टेबल सो द नंबर डुप्लीकेट, सो नो डुप्लीकेट नंबर वैल्यू इज़ अलाउड एंड नो नल वैल्यू इज़ अलाउड इन अ प्राइमरी की कॉलम. तो दो कंस्ट्रेंट्स बने प्राइमरी की के, कि पहली बात तो कोई डुप्लीकेट वैल्यू उसमें नहीं इंक्लूड हो सकती और कोई भी नल वैल्यू नहीं इंक्लूड होगी. ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आया फॉरेन की कंस्ट्रेंट. फॉरेन की है इज़ अ कॉलम और अ ग्रुप ऑफ कॉलम इन अ टेबल दैट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन डेटा इन द टू टेबल्स. इट एक्ट एज अ क्रॉस रेफरेंस बिटवीन टेबल्स बिकॉज रेफरेंस द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल देयर बाई एस्टैब्लिशिंग अ लिंक बिटवीन देम. तो हमारे पास यहाँ दो टेबल गिवन है, ये देखिए. ठीक है, तो हमें इन दोनों टेबल को कम्बाइन करना है, तो लिंक कहाँ से बनेगा, जो भी कॉमन एट्रीब्यूट प्रेजेंट है दोनों में वो हमारा लिंक बनाएगा, और उस लिंक को बनाने के लिए हमें उस कॉमन एट्रीब्यूट को पहले टेबल में एज फॉरेन की लेना पड़ेगा, और वो फॉरेन की रेफ़र कर रही है दूसरे टेबल की प्राइमरी की को. सो यू कैन सी दैट एम्प्लॉय में एम्प्लॉयमेंट नंबर इज़ द प्राइमरी की और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नंबर इज़ द फॉरेन की. ठीक है, देयरफॉर विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की वी आर रेफरिंग टू द अदर टेबल एंड विद द हेल्प ऑफ दैट वी आर कंबाइनिंग दीज टू टेबल्स. तो हमारे पास इसके अलावा कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिलेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेशंस. तो पहली बात तो ये कि ऑर्डरिंग ऑफ टपल इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब कि जिस ऑर्डर में हम टपल सेव कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, और द ऑर्डरिंग ऑफ एट्रीब्यूट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मतलब एट्रीब्यूट्स का जो सीक्वेंस है वो भी हमको एक प्रॉपर रखना पड़ता है ताकि वाइल्ड सेविंग आर डेटा देर इज़ नो कन्फ्यूजन. फाइन, उसके बाद था वैल्यू ऑफ टपल इज एटॉमिक. तो ये भी हमने पढ़ लिया था कि जितनी भी वैल्यूज़ हम स्टोर करते हैं एक टेबल में वो खाली सिंगल वैल्यूज़ होनी चाहिए हर एक सेल में. ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आए रिलेशनल कंस्ट्रेंट्स. तो पहला आया डोमेन कंस्ट्रेंट. डोमेन कंस्ट्रेंट हमें बताता है कि एक एट्रीब्यूट में हम वैल्यूज़ क्या क्या स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, तो डोमेन हमारे को गिवन है डोमेन ए, और उसकी रेंज है 1 से लेके 10 तक वैल्यूज जितनी है वो स्टोर करा सकता है ये डोमेन में. ठीक है, तो सपोज़ हमें एक वैल्यू है ए इक्वल्स टू 11, तो ये इनवैलिड हो जाएगी. क्यों? क्योंकि इट इज़ गोइंग आउट ऑफ रेंज. आर रेंज इज़ फ्रॉम 1 to 10 ओनली एंड 11 इज़ गोइंग आउट ऑफ रेंज, देयरफॉर इट इज़ इनवैलिड. तो हमारे को यहाँ पे पता चल गया कि ये जो डोमेन कंस्ट्रेंट है ये वायलेट हो रहा है, क्योंकि डोमेन की कैपेसिटी जहाँ से थी वहीं तक की वैल्यूज़ वो स्टोर करा सकता है, उसके बाहर की वैल्यूज़ वो नहीं स्टोर करा सकता. उसके बाद हमारे पास आया की कंस्ट्रेंट्स. तो की कंस्ट्रेंट्स में सुपर की, कैंडिडेट की और प्राइमरी की का कंसेप्ट आ जाता है हमारे पास. हाँ, एक टेबल में पास नंबर ऑफ सुपर कीज़ हो सकती हैं. ठीक है, और कैंडिडेट कीज़ भी बहुत सारी हो सकती हैं, बट प्राइमरी की उन सब में से हम एक ही चूज़ करते हैं, और जो होती है मिनिमल की. ठीक है, कि मिनिमम नंबर ऑफ कीज़ को मिला के जो एक डेटा आइडेंटिफाई कर सके एक टेबल में, उसको हम प्राइमरी की बनाते हैं. फिर आया हमारे पास आइडेंटिटी, सॉरी इंटीग्रिटी रूल. इंटीग्रिटी रूल में पहले आया एंटिटी इंटीग्रिटी. इसका मतलब है कि जो प्राइमरी की
कैन नेवर हैव अ नल वैल्यू. ये कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं प्राइमरी की में कि जितनी भी वैल्यूज़ हम स्टोर करा रहे हैं वो हमेशा कोई यूनिक वैल्यू स्टोर कराएगा और कभी भी नल वैल्यू नहीं होगी उसमें. एंड रेफरेंशियल ये कंस्ट्रेंट्स हमारे होते हैं प्राइमरी की और फॉरेन की का जो हमने कंसेप्ट अभी देखा था, जब हम टू टेबल्स को कंबाइन करते हैं तो उसमें हम फॉरेन की का यूज़ करते हैं जो कि रेफर करता है दूसरे टेबल की प्राइमरी की को. तो रेफरेंशियल की कंस्ट्रेंट हम उसे कहते हैं. फिर एक है हमारे पास सिमेंटिक कंस्ट्रेंट. ये हमारा है, ये यूज़र अप्लाई करता है एज पर रिक्वायरमेंट कि किसी टेबल में क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कोई हम कंस्ट्रेंट एक एट्रीब्यूट पे लगा रहे हैं तो उसे हम सिमेंटिक कंस्ट्रेंट कहते हैं. जैसे यहाँ एग्जांपल है कि मिनिमम एज ऑफ एम्प्लॉई इज 18 एंड मैक्सिमम इज 65. तो एक कंस्ट्रेंट हमने लगा दिया एज के ऊपर कि उसकी वैल्यू 18 से ज़्यादा और 65 से कम होनी चाहिए. ठीक है, तो ये हमारा एक सिमेंटिक कंस्ट्रेंट बन गया जो यूज़र अप्लाई कर रहा है एक एट्रीब्यूट पे अपनी अपने हिसाब से, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से. फाइन, सो आई होप आपको रिलेशनल मॉडल कुछ समझ आया होगा. एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम रिलेशनल अलजेब्रा कवर करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो पीछे CBSE NET एग्ज़ाम में आए थे. सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.